आप देख रहे हैं के मास न्यूज, हर समय आपके साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं के मास न्यूज। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्ञानेंद्र कुमार मौर। हमारे लेटेस्ट न्यूज को देखने के लिए डाउनलोड करें के मास न्यूज ऐप या टाइप करें www.kmasnews.com। और काफी अच्छी संख्या में ये कार्यक्रम हुआ, तादाद में आया है कार्यकर्ता। आप जो भी संदेश अभी मंच के माध्यम से आपने दिया, मैं चाहूँगा कि हमारे चैनल के माध्यम से उन कार्यकर्ताओं को भी दीजिए जो अभी प्रभात का इंतजार कर रहे हैं और अपनी गहरी निद्रा में सो रहे हैं। देखिए, वोट बढ़ाएं, बूथ जिताएं, यही हमारा कार्यक्रम है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अपने को स्वयं समाजवादी आंदोलन के कार्यकर्ता कहे हैं और जो बूथ पे बूथ अध्यक्ष है वही समाजवादी पार्टी का सच्चा नेता है और समाजवादी पार्टी के विचारधाराओं से लैस वो वोट बढ़ाएं और बूथ जिताएं। समाजवादी पार्टी में यह है कि हमारा सबसे बड़ा नेता वही है जो बूथ पे लड़ता है और बूथ अपना जिताता है। बूथ प्रभारी पे ही अत्याचार होता है, कहीं उसके खेत में चक्रोट डाला जाता, उसकी मेड़ काटी जाती, उसके ऊपर उत्पीड़न होता है, फर्जी मुकदमे लगाए जाते हैं। इसलिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का ये सोच है और उनके संविधान में है कि हमारा सबसे बड़ा नेता वो है जो हमारा बूथ जिताता है। तो मैं सभी बूथ प्रभारियों से ये चाहता हूँ कि आपकी आईडी, आपका मोबाइल नंबर, आपका नंबर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के पास फीड है। आप बूथ जिताएं, वोट बढ़ाएं और समाजवाद की अलख को जगाएं, सरकार बनाएं। सरकार बनने के बाद यदि आपके ही दल का कोई नेता आपकी सच्चाई, आपकी बात नहीं सुनता तो वही आप नंबर लेके बूथ की लिस्ट लेके जाएंगे, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बड़े नेताओं को पीछे कर देंगे और बूथ अध्यक्ष को वरीयता देंगे, आगे देंगे, उनका सम्मान करेंगे। आप मंच पे बार बार कहते रहे कि भाजपा का पाखंडवाद, पाखंडवाद, ये एकदम मैं आज भी कह रहा हूँ, अगर ये पाखंडवाद नहीं तो है क्या? ये बताइए, उन्होंने कहा गंगा हम साफ करेंगे, गंगा में सब मिले, कुत्ता नोच के खाए, गाय कौए खाए, ये आया कि नहीं आया? गाय तड़प के मर रही है कि नहीं मर रही है? आज बताइए, कोरोना काल में पैरासीटामॉल या सरकार नहीं दे पाई, ऑक्सीजन बोल रही है देश की सबसे बड़ी पार्लियामेंट में कि ऑक्सीजन की किसी भी एक भी व्यक्ति कमी से नहीं मरा, इसको हम क्या कहेंगे? ये पाखंडवाद नहीं कहेंगे, ये धर्म के नाम पे वोट मांगने वाले ठगारा नहीं कहेंगे, इनको और हम कहेंगे क्या? हीन भावना जो रखता है वो हिंदू हो ही नहीं सकता, हिंदू के अंदर में कपट और छल नहीं होता, ये गीता भी कहती है और रामायण भी कहता। राम के ही चरित्र पर, राम के ही आदर्शों की बात करके तो ये लोग सरकार बनाए। ये आदर्श किए राम का, राम चार प्रकार के हैं, बांट दिए हैं पाखंडों ने, कोई मूर्ति बना के केवल ठगने का काम किया, कोई रूप बना करके भरमाने का काम किया। ये राम हृदय में विराजमान है, जो सांसा सांसा भसते हैं और पूरे ब्रह्मांड में मुक्ति प्राप्त करते हैं, समाजवाद पैदा करते हैं, उस राम को समाजवादी लेके हृदय में चलता है।